बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हो आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टे होम स्टे सेफ। चैप्टर नंबर 3, मोशन एंड फोर्स। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी क्या होती है। हमारे पास वेलोसिटी क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो है वो रिलेशन को शो करेगा। ठीक है, ग्राफ हमारे पास क्या है? दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो रिलेशन को शो करता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो टर्म्स हम लेते हैं उसे हम एब्सिसा कहते हैं, और जो वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, और ग्राफ पे बनने वाली जो स्लोप होती है उसे हम वाई ओवर एक्स की फॉर्म में लेते हैं, और जबकि जो एरिया होता है वो वाई डॉट एक्स, यानी कि जो वैल्यूज हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग और जो वाई एक्सिस के अलोंग होती है उनका प्रोडक्ट लिया जाता है। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है। द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यानी कि वेरिएशन जो हमारे पास वेलोसिटी में आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें जो चेंजेस आ रही हैं वो हमें क्या कौन सा ग्राफ बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता है। ठीक है, इसमें हम तीन केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो ग्राफ जो है यहाँ पे स्किप हो गए हैं स्लाइड्स पे, तो आपने जो है वो अपनी बुक से इनको देख लेना है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है? व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपकी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, यानी कि अगर हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस के अलोंग हमने वेलोसिटी ली है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास वेलोसिटी पे जो लाइन आ रही है वो हमारे पास किसके है? टाइम के, यानी कि हॉरिजॉन्टल आ रही है, बिल्कुल उसके स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम उसके शेडेड पार्ट जो नीचे वाला एरिया है उसको करें तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी जो है वो क्या आता है? एरिया ऑफ रिक्टेंगल बनेगी हमारे पास। तो रिक्टेंगल जो है उसमें हमारे पास वी और टी है। ठीक है, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतना जो है हमारी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, सेकेंड केस में हमारे पास क्या है कि व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यानी कि हमारे पास क्या है कि यानी कि उसी टाइम इंटरवल में जो बॉडी में चेंज आ रहा है उसकी वेलोसिटी में वो क्या है? यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और हमारे पास इसमें क्या बनती है? एक इंक्लाइंड प्लेन जो है वो स्लोप बनती है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें उस इंक्लाइंड प्लेन जो अब हमने देखा कि जैसे हमारे पास जो है वो स्लोप क्या बन रही है? वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में बन रही है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि पहले जो है वो रिक्टेंगल बन रही है, अगर रिक्टेंगल का हम हाफ करते हैं तो ट्राइंगल बनती है। ठीक है, तो 1/2 VT। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये हमें क्या बताती है कि उसका डिस्टेंस जो है वो भी बताती है। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि थर्ड केस की। ठीक है, पहले हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो है वो स्लोप हमें क्या बताती है? एक्सेलरेशन के बारे में बताती है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है हमारे पास, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या आता है? वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो स्लोप जो आती है हमारे पास वो क्या बताती है? हमें एक्सेलरेशन बताती है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन स्लोप बन रही है, तो एक्सेलरेशन जो है उसका मतलब वो क्या होगा? हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, और अगर हम क्या बात करते हैं कि अगर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो है। ठीक है, थर्ड केस में हमने क्या देखा था? क्या देखते हैं कि व्हेन द बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कि उसमें क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो हमारे पास उसमें क्या बनता है? यानी कि कभी वेलोसिटी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो कर्व्ड पाथ बनता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है? अगर हमने उसके स्लोप यहाँ से फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तब हमें उसका एक्सेलरेशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, और अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है,
तो सिग्निफिकेंस जो है हम इससे क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलेरेशन, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है. और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. जो एरिया हमने अंडरलाइन अंडर शेड करते हैं एरिया, वो हमें क्या बताता है कि बॉडी ने जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है. नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, ठीक है. ये पहले भी हमने डिस्कस की हुई है कि कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. वी आई जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो जाती है, ठीक है. तो ये हमारे पास 9th क्लास में जो है ये हमने डिस्कस की हुई है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है. फर्स्ट वाली हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें ये बताती है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहाँ से हम टाइम जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो है वो बॉडी ने कितना टाइम लिया, वो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या आती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्केयर. और थर्ड जो है इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ठीक है. अब इस तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें मैक्सिमम हाइट अटेन जो किसी ने बॉडी ने की है वो हमें वो बता सकती है कि बॉडी ने कितनी मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन की है. तो उसमें जो है वो हम ये इक्वेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अप्लाई इक्वेशन इन प्रॉब्लम्स. इन इक्वेशंस को जो है हमने प्रॉब्लम्स में कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. दीज इक्वेशंस आर यूजफुल ओनली फॉर लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है. ये इक्वेशन सिर्फ उन जगहों पे अप्लाई होंगी कि अगर क्या है कि लीनियर मोशन हो और क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो हमारे पास. सेकेंड है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, ठीक है. अगर जाहिर ऐसी बात है कि अगर बॉडी जो है कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी मोशन जो है डायरेक्शन की मोशन जो है वो चेंज नहीं होगी. तो इस डायरेक्शन में हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एज अ स्केलर यूज करते हैं, ठीक है. थर्ड जो है हमारे पास व्हेन वेक्टर्स कैन बी ट्रीटेड लाइक स्केलर्स द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन पॉजिटिव, ठीक है. जब स्केलर के तौर पे लेंगे तो हमारे पास क्या है कि वो उसकी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव आएंगी, ठीक है. नेगेटिव साइन इज अप्लाइड टू ऑल दोज क्वांटिटीज हुज डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, और उनके साथ जो है हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा जो इनिशियल वेलोसिटी के क्या होंगी, डायरेक्शन जिनकी ऑपोजिट होगी, ठीक है. अब ये इक्वेशन ऑफ मोशंस में हम जो है वो ए की जगह जी को रिप्लेस करके भी जो है वो यूज कर सकते हैं फ्री फॉल मोशन बॉडीज के लिए, ठीक है. नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है हमारे पास, ठीक है. अब क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑल बॉडीज फॉल फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर हम जो है वो ये एयर के जो है को काउंट करें कि एयर जो है वो नहीं है, अगर हम वहां से बॉडी को फॉल करवाएं तो हम क्या देखेंगे कि वो ग्रेविटी की वजह से जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ जो है वो जमीन की तरफ मूव करेगी. तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है. अब वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जाएगी या क्या है कि अगर हम इसे क्या है हाइट की तरफ लेते जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह डेप्थ की तरफ, ठीक है. अब क्या है कि वैल्यू जो है जी की हमारे पास नेगेटिव आती है कि अगर हम जो है ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें तो वैल्यू जो है वो जी की हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, ठीक है. और अगर हम फ्री फॉल जो है ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो तब हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है. अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि एफ ओवर एम, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट स्ट्रेंथ, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास टास्क है, ट्राई टू सॉल्व एग्जांपल 3.1, ठीक है. ये सेम जो है हमने डिस्कस किए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उन्हीं की बेस पे है कि किस तरह जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, बॉडी ने, वो शेडेड पार्ट आप करेंगे और उसमें हमारे पास एक जो है वो दो ट्राइंगल्स बनती हैं और एक रिक्टेंगल बनता है. सिंपल जो हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं वो अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो एग्जाम्पल ईजिली सॉल्व हो जाएगी. आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.